बच्चा हुआ करोड़पति, इस 12 साल के बच्चे ने बाप को किया पीछे, हाथ लगा खजाना। कनाडा देश के ओटावा में एक 12 साल के बच्चे ने बहुत बड़ा खजाना पाया है। बच्चे ने करीब 7 करोड़ साल पुराना बेहद अनमोल खजाना ढूंढ निकला है। कनाडा का रहने वाला 12 साल का नाथन हरस्किन अपने पिता के साथ गर्मियों की छुट्टी में पैदल यात्रा पर निकला था। इसी दौरान उसने 6.90 करोड़ साल पुराने डायनासोर का अवशेष ढूंढ निकाला। नाथन बड़ा होकर जीवाश्म विज्ञानी बनना चाह रहा था, लेकिन उसकी यह इच्छा 12 साल की उम्र में ही पूरी हो गई। हरस्किन ने डायनासोर के जीवाश्म को देखा। एक रिपोर्ट के अनुसार नाथन और उनके पिता डियान संरक्षण स्थल हॉर्सशू कैन्यन गए थे, जो कनाडा के अल्बर्टा में है। इसी दौरान नाथन हरस्किन ने आंशिक रूप से बाहर निकले डायनासोर के जीवाश्म को देखा। नाथन ने कहा, यह बहुत ही रोचक खोज है। यह एक असली डायनासोर खोजने के जैसे है। इसे खोज निकालना मेरा सपना था। विशेषज्ञों का कहना है कि नाथन की यह खोज बेहद अहम है। एक पहाड़ी से नाथन को डायनासोर की हड्डियां मिली। नाथन अभी अपने स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं। उन्होंने जिस डायनासोर की पहचान की है, वे हैड्रोसॉरस प्रजाति का है, जो 6.90 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर पाया जाता था। इससे पहले की यात्रा में नाथन और उनके पिता को हड्डियां मिली थी। डियोन ने बताया कि यात्रा के दौरान हमने खाना खाया और उसके बाद नाथन आसपास का नजारा देखने के लिए एक पहाड़ी पर चढ़ गया। वहीं पर उसे यह जीवाश्म दिखा। जीवाश्म की तस्वीर को रॉयल ट्रेल म्यूजियम को भेजा। नाथन ने बताया कि जीवाश्म बहुत स्वाभाविक नजर आ रहा था और यह कुछ उसी तरह से था जैसे टीवी शो में दिखाते हैं। उन्होंने इस जीवाश्म की तस्वीर को रॉयल ट्रेल म्यूजियम को भेजा, जिसने इसकी जीवाश्म के रूप में पहचान की। म्यूजियम ने अपनी एक टीम वहां पर भेजी। हैड्रोसॉरस प्रजाति के डायनासोर अक्सर इस इलाके में मिलते रहते हैं।